गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 गणित की पुनः क्लास कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.5 पूरा किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.6 पर पहुंच रहे होंगे। तो उसमें घातांक की प्रगुण होता है, तो जैसे बता दूं आपको मैं, कक्षा 6 गणित लेक्चर है आपका, ये शायद 14 पेज है आपका, 26 14 और पेज है आपका 26। घातांक गुणांकों के क्या होता है, इसकी जैसे हम लिखते हैं e की घात x, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर e क्या है, आधार है, और x क्या है, घातांक है। तो ऐसे ही हम इसे हम लिखेंगे e की घात 2, इसका मतलब होता है e का 2 बार गुणा e गुणा e। ऐसे e की घात हम कर दें 4 कर दें, क्या हो जाएगा, e का स्वयं से 4 बार गुणा e गुणा e गुणा e गुणा e। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अब आपको हम क्वेश्चंस में पहुंचेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर है पहला, इसका 3.6 का, यहाँ पर है, देख रहे होंगे आप पुस्तक में पास में हैं, तीन ये निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान दे रखे हैं, इनमें से मैं कोई 2 कर दूंगा, और 2 करने के लिए करता हूँ मैं बी वाला और सी वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है बी, एक्सरसाइज है 3.6। ये है आपका -50 की घात 3। इसका मतलब होता है -50 × -50 × -50। अब हम जानते हैं यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस और फिर हो जाएगा माइनस। यदि पूर्णांक माइनस का है और उसके ऊपर घात यदि विषम है, तो उसका हल सरलीकरण भी क्या होगा, आपका माइनस का होगा। यदि घात सम है तो सरलीकरण में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 25 = 125 बराबर माइनस लग गया 125 और 0 के 1, 2, 3 जीरो आ गई। इसका यही आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का ही, कौन सा बोला था मैंने, सी है, एक्सरसाइज है 3.6 और ये आपका -1 की घात 99। तो हम क्या हम जानते हैं 99 क्या है, विषम है, अर्थात माइनस का माइनस ही रहेगा। 1 का गुणा हम 99 बार करना है, 1 × 1 × 1 × 1। 1 का गुणा चाहे कितनी बार करें हम, गुणनफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, -1। इसके बाद में हम करेंगे
दू का पहला और करते हैं ई। बाकी कुछ स्वयं आप करेंगी। क्वेश्चन नंबर दो का फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ई, ई और एक्सरसाइज है 3.6। ये है आपका -31 की घात 2। तो यहाँ यहाँ पर माइनस घात दो, माइनस का हो रहा है पूर्णांक, माइनस ये क्या है, आधार माइनस का है और घातांक क्या है, दो है, सम है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो कर देंगे -31 गुणा -31 और ये हो जाएगा 31 एकम 31 का 1। हाँ असल की 3 और 31 थी या 93 93 93 और 3 96 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा है इसका ई, सिक्स, ये है आपका 5 की घात 4 और इसको कर देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 25 125 125 625, इसका उत्तर हो जाएगा 625। इसके बाद में है आपका अगला तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को घात संकेतन का प्रयोग करके लिखिए, अपने आप कर लेंगे इसको। देखो पहले ये प्रश्न है हमारा 3 का पहला, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 के अंक कहें 1 2 3 4 5, तो इसको लिख देंगे हम 7 की घात 5। अभी दूसरे वाला है 3.1 गुणा 3.1, ये संख्याएं कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हैं, तो कर सकते हैं इसको 3.1 की घात 9, 3.1 कोष्टक में रख के उसी घात 9। इसके बाद में अगले वाला है -8 तो सबका आधार क्या है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देंगे -8 की घात 7, ये है 1 2 3 4 5, तो -9 की घात 5। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, अब यहाँ पर है इसमें मैं पहला और करता हूँ आपका ए और एफ, कर देता हूँ उसको मैं, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 का ई, एक्सरसाइज 3.6। ये हमारा -2 की घात 4 गुणा -3 की घात 2 गुणा -1। अब हम देख रहे हैं इसको यही कर सकते हैं, तो डाय कर दूंगा मैं -2 का 2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 2 का और घात 4 सम है, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 है गुणा ये घात सम है यहाँ पर, -3 की घात 2 है, तो ये भी प्लस का बन जाएगा, 3 गुणा 3 3 या 9 गुणा -1 तो क्या हो जाएगा, 16 निम्मा 144 और ये बन जाएगा -144 और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का ये है एफ, एक्सरसाइज है 3.6 और ये आपका -4 की घात 3 गुणा -2 की घात 2 गुणा -5 की घात 3, तो इसको क्या करना है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या हो जाएगा इसका, -4 गुणा -4 गुणा -4 फिर -2 गुणा 2 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5। अब देख रहे हैं ये विषम बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का बराबर -4 चौके 16 चौका 64 हो गया गुणा 4 गुणा 5 25 125
125 और ये 3 बार आ रहा है तो क्या बन जाएगा माइनस का, इसका गुणा आप स्वयं कर लेंगे वही उत्तर होगा आपका। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते ही, 5 है आपका, निम्नलिखित की सत्यता की जांच कीजिए। अभी पेज नंबर डाल दूं मैं इसमें, पेज नंबर पहले था हमारा 26, अब हो जाएगा पेज नंबर 27। तो सत्यता की जांच करनी है इसमें, तो क्या है -5 की घात 7 भागित -5 की घात 3। हम ये भी जानते हैं कि गुणा में यदि आधार समान है, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो आधार यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें -5 है, इसमें भी -5 है, तो थोड़ा सा इसको एक को करके दिखा दूंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है ये, 5 का ये है एक्सरसाइज है 3.6। थोड़ा लिख दूं मैं इसमें, आधार समान होने पर संख्याओं की गुणा में घातें जुड़ती हैं, जबकि भाग में घात घटती हैं, अंश की घात से हर की घात घटती है। अब यहाँ पर है हमारा -5 की घात 7 भागित 5 की घात 3, -5 की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे ये बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें आगे कर दें बराबर -5 की घात 7 -3 बराबर हो जाएगा -5 की घात 4। अतः यह हाँ निम्नलिखित की सत्ता की जांच कीजिए, इसकी सत्ता की जांच हो गई। अब ऐसे ही है 2 की घात 7, आप देख रहे होंगे पी वाला है 2 की घात 7 भाग 2 की घात 4, 7 में से 4 ज्ञात क्या हो गया 3 हो गया, ऐसे हो जाएगा 8 की घात 2 -8 की घात, गुणा यहाँ पर गुणा हो रहा है, -8 की घात 2 -8 की घात 3, तो आधार समान है -8 है तो घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी 2, 3, 5। -5 की कितनी घातें 625 की समान होती हैं, हम पहले कर चुके हैं, -5 की घात यदि 4 कर दें तो वो क्या हो जाएगा 625 के समान हो जाएंगी। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की वर्ग लिखिए, तो वर्ग स्वयं लिख देना है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग, ऐसे करके आप स्वयं लिख देंगे। 2 की कितनी घातें 64 की समान होती हैं, अब 64 की खंड करते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, चलो कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका 8 है तो एक्सरसाइज है 3.6। यहाँ पर 64 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 4 2 8 2 16 2 32 2
और इसको लिख देंगे हम क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख देंगे 2 की घात 6। अब इसके बाद में हमारा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की घन लिखिए। घन लिख देंगे आप, घन का मतलब क्या होता है, घात 3, तो 1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3, ऐसे करते जाएंगे आप स्वयं कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, आप निम्न कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 5 की घात 4 अथवा 4 की घात 5 अथवा 5 की घात 4 का अंतर शून्य होता है, गलत बात है। 4 का करेंगे हम क्या बार गुणा करेंगे, 5 बार करेंगे तो वो कुछ अलग आएगा, और 5 की घात 4 का गुणा करेंगे कुछ अलग आएगा। इनको अलग देख लेना है हमको, ये बराबर नहीं होगा। अब हम ऋणात्मक पूर्णांकों का घन धनात्मक होता है नहीं, जब ऋणात्मक संख्या होती है उसका घातांक सम है तो उसका गुणनफल होता है पॉजिटिव होता है, और यदि ऋणात्मक पूर्णांक है और उसका यदि घातांक विषम है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो ये असत्य है, किसी पूर्णांक का वर्ग धनात्मक होता है, सत्य बात है। कोई पूर्णांक हो उसका वर्ग क्या हो, धनात्मक होगा। यहाँ पे डी वाला है 8 की घात 9 भागित 8 की घात 8, तो यह भाग हो रहा है तो भाग में क्या हो जाएगा, 8 की घात 9 माइनस 8 बराबर 8 हो जाएगा। 8 9 माइनस 8 एक हो गया, एक को लिखते नहीं है। यह है -1 की घात 79 यहाँ पर विषम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो -1 यहाँ पर गुणा -1 बराबर 1 हो जाएगा, सत्य है। 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 8 बराबर 5 की घात 3 प्लस 8, ये सत्य है। अब व्यंजकों का, अगले व्यंजकों का सरलीकरण, कई बार क्या होता है मिक्सचर होता है चिन्हों का, तो लिख दूंगा यहाँ पर, जब किसी प्रश्न में विभिन्न चिन्हों का मिश्रण होता है तो उन्हें सरल करने के लिए क्रमानुसार निम्न वत सरल करते ही फर्स्ट B O D M E S, B का मतलब ब्रैकेट, मतलब कोष्टक, वो मतलब ऑफ, मतलब का, जी का मतलब डिवाइड भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ए का मतलब एडिशन, जोड़,
सबट्रैक्शन। घटाना इनको आप क्रम से करेंगे। कोष्टक में भी कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। पहला कोष्टक होता है ये इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको? यह है रेखा कोष्टक। इसके बाद होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। फिर इसके बाद में होता है मजला कोष्टक। उसके बाद में होता है इस तरह का, इसको तो बड़ा कोष्टक। तो आप ध्यान रखें जब आप हल कर रहे होंगे तो पहले आपको रेखा कोष्टक को इनको भी क्रम से ही करना है। हाँ, रेखा कोष्टक को सबसे पहले, उसके बाद में छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले कोष्टक को, उसके बाद में आपको बड़ी कोष्टक को हल करना है, सरलीकरण करना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन में पहुँचेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज 3.7 में है और मैं करूँगा आपका, ये कर देता हूँ सी, बड़ा सा है इसी को कहता हूँ क्वेश्चन नंबर एक का सी। यह है -5 -45 -15 +-3 -5। तो क्वेश्चन नंबर एक का यह है आपका सी और एक्सरसाइज है 3.7। ये हमारा -5 -45 भागित 15 भागित -15 +-3 -5 मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ये क्रम आ रहा है हमका बॉड मास हो रहा है। तो यहाँ पर तो पहले हम कोष्टक खत्म करेंगे। तो माइनस ये हो गया -5 और माइनस, जब माइनस कोष्टक के आगे माइनस होता है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है। अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, क्या हो जाएगा? +45 भागित -15 और यहाँ प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? -3 × 5। अब सरलीकरण में पहले ब्रैकेट के बाद में आता है डी, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड को करना हमको बराबर करना है -5 और इसको लिख देंगे ई। इसको करना है 45 में 15 का -15 का भाग, 15 थी 45 क्या बन जाएगा? -3 फिर -3 × 5। इसके बाद में हम क्या करेंगे? मल्टीप्ली खत्म करना है -5 -3 -5 थी 15। अब हमारी सारे चिन्ह माइनस हो गई, 15 और 5 20 और 3 23, उत्तर आ गया आपका 23 और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। अब आज की क्लास आपकी यहीं हो खत्म होती है। तो इसके लिए आप आगे के लिए स्वयं करते रहिएगा, जो क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं वो आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करें। समस्या होने पर आप कभी संपर्क करें। धन्यवाद।